राम राम साहब, मैं हूँ शारदा परियार और शारदा मारवाड़ी रसी में आप सब और एक बार बड़े स्वागत है। आज अपन वीडियो में बालूशाही। बालूशाही हर जगह अलग अलग नामों जानी जा करे। कोई इन्हें ठोर के आवे, कोई बालूशाही तो कोई माखन बड़ा नाम ही जाने। बालूशाही जीवन में ना बढ़िया लगे और इन बनों में गणी की टाइम नहीं लगे। आप बालूशाही अब शादी ब्याह में या बच्चे होटल में जिमु हो, पर बालूशाही अब घर आराम बना जिम सको तो पदर मारसी में हम अब बालूशाही बनावनी हरू करो। आप देख रहे हो सा अपन कितनी बढ़िया बालूशाही बनन तैयार हुई है। तो इन दिवाली माते आप बालूशाही आप जरूर बनान जीम जो। इन वीडियो में आपने बहुत ही आसान तरीका बालूशाही बनाने और विधि बताई है, तो और वीडियो पूरा जरूर देख जो। वीडियो पसंद आवे तो वीडियो लाइक शेयर जरूर कर जो सा। तो हमें आप बालूशाही बनावनी शुरू करो। इन वास्ते मैं अटलियो मैंदो। मैंदा ने एक मोटे ठाऊ में ले लिया वो जिको मैंदर आटो हो रोनी जिन तैयार हो। मैंदा ने पहला छौड़न ले लियो। मैं हमें अपन मैंदम मिलाओ दही। थोड़ी मैलियट बड़ी इलायची। छोटा चिमचू एक चिमचू मीठो होडो। थोड़ो इनमें मिला दो नमक। थोड़ो इनमें मिला दो मीठो रंग। मोइंडे वास्ते मैं ऐड लियो घी। आधी गिलोड़ी मैंदर मैंने घी मिला दे मो। घी डालियो पचे इन सब मसालों बढ़िया मिक्स कर दे मो। मैंदर मैंने सब मसाला बढ़िया मिक्स हो गया है। हम अपन मैंदर आटा री हाथ में मुट्ठी बांध देखो मुट्ठी आराम बंद है जन मोइंडर वास्ते घी गालियो है वो सही है। हमें अपन इन मैंदर में थोड़ा थोड़ा पानी गाल प्राण बढ़िया आटो होन तैयार कर ले वो। मैंदर मैंने एक हाथ हलो पानी नहीं गालना है, थोड़ा थोड़ा पानी गाल नरम आटो होन तैयार कर ले वो। बालूशाही बनाने वास्ते अपन एकदम नरम आटो होन तैयार करना है। एकदम रफ आटो ओण तैयार करना। मुट्ठी देन आटो ओणने की जरूरत नहीं है। और फिर रोटी बनाओ जन आटा री मुट्ठी देन आटो ओण तैयार करिया करो। विन जड़ अपन आटो नहीं ओण तैयार करना। हल्के हाथों आटो ओण तैयार करना जिन अपन बालूशाही ना बढ़िया बनन तैयार होवेला। आटो ओण तैयार कर लियो। अपे आटा ने 10-15 मिनट वास्ते गन्ना ढक्कन रख दे। आटन ढक्कन रखे 10-15 मिनट होगा है। एक रू आटन पाच ओणन तैयार कर ले। आटन एक रू पाच ओण लियो। हम अपने आटन पाच गन्ना ढक दे जिन आटो हुके नहीं। हमें अपने आटा री छोटी लोई तोड़ दे। लोई ना हाथ में ले ना अपन बालूशाही बनाने तैयार कर ले। लोई के बीच में हॉल कर दे जिन बालूशाही ना घी में तलो उन टाइम बालूशाही आराम तली जन तैयार हो जाये। बालूशाही मई नू काची नहीं रहे आराम घी में तली जन बढ़िया तैयार हो जाये। इन तरीका पूरे आटे री बालूशाही बनाने तैयार कर ले। इन दिवाली माते आ मिठाई आप जरूर बनान जीम जो सा। बालूशाही बनाने में घणी की टाइम नहीं लगे। बालूशाही जिम में ना बढ़िया लगे। एक बारी में तले इतनी बालूशाही बनान तैयार कर ली। हमें अपन बालूशाही ने तलन तैयार कर ले।
बालू सही तलने वास्ते भट्टी मत कड़ी रखने में घी गर्म होने वास्ते रख दे मो। देसी घी में बनी हुई मिठाई जीम में ना बढ़िया लगे सा, तो इन तरीकों एक बार बालू सही आप जरूर बना जीम जो। घी गर्म हो गया है, घी में आराम मावे इतनी बालू सही अब घी में गालन बढ़िया तलन तैयार कर ले मो। घी में आराम मई इतनी बालू सही ना घी में गाल दी। पहुंचे मिनट पर देखो बालू से ये तीरन अपना आप ऊपर आएगी है। बालू सही ने घी में गाल तो यहाँ तक नहीं छेड़नी है। पांच मिनट पचे बालू सही अपना आप तीरन ऊपर आ जाया करे। जारो हम पलटन बालू सही ने बढ़िया घी में मैंने तलन तैयार कर ले हम। बालू सही ने जिन टाइम अपन ने घी में गाला उन टाइम घी एकदम हल्को गर्म होना चाहिए, गैस री आंच एकदम धीमी होनी चाहिए। तेज आंच में तो बालू सही बारू तो पकन तैयार हो जाए ला, हनुमान काची रह जाए ला। 15-20 मिनट पचे बालू सही बढ़िया हिकन तैयार होगी है। हम अपन बालू सही ने एक दूसरे ठाऊ में काट दे मो। एक बारीर बालू सही हिकन रमाइन 15-20 मिनट लाग जावे। जितनी बढ़िया बालू सही हिकन तैयार होवेला उतनी बढ़िया अपन बालू सही चाशनी पीन तैयार होवेला। तो आप बालू सही हिकन रमाइन पूरा ध्यान रख जो अन पूरी बालू सही ने अपने धीमी आंच में हेकनी है। आप देख रहे हो सा कितनी बढ़िया बालू सही बनन तैयार हुई है। इन तरीकों लार बच्चों की बालू सही ने अब घी में तलन तैयार कर ले हम। बालू सही रो आटो ओणन तैयार करो उन टाइम भी अपन ने छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना के बालू सही रो आटा ने मुट्ठी देन नहीं ओढ़ना है, एकदम हल्के हाथों बालू सही आटा ने ओढ़न तैयार करना है। छोटी छोटी बातों रो आप ध्यान रखन बालू सही बना वाला तो बालू सही हलवे भी बढ़िया बनान तैयार कर सको अपने घरे। दूजुड़ी बारी रही बालू सही तली जन तैयार है। इन बालू सही ना बाहर निकाल दे मो। लारे बच्चों की बालू सही ने अब घी में तलन तैयार कर ले मो। मारे बताए तरीका हूँ आप बालू सही बना वाला तो आप हलवे भी बढ़िया बालू सही घरे बना तैयार कर सको। इन तरीका हूँ पूरी बालू सही ने बनान घी में तलन तैयार कर ली। हम आप इन बालू सही वास्ते बनाओ चाशनी। चाशनी बनाने वास्ते भट्टी में कड़ी रखन में शक्कर डाल दे मो। मैं 1.5 किलो मैंदर ही बालू सही बने 1.5 किलो मैंदर मैंने 1.5 किलो शक्कर काम में ले मो। 1.5 किलो शक्कर मैंने 1 लीटर आप पानी काम में ले मो। हाँ नम शक्कर पूरी गुड़न तैयार हो जाए तो कड़ी रमाइने लगती चिमचे फेरते रहे मो। शक्कर पूरी गुड़न तैयार होगी है, चाशनी में उबाल आएगी। हमें अपन चाशनी साफ क्या रहो चाशनी मैली है। इन वास्ते मैं एट लियो 1 गिलास दूध। इन दूध रमाइने आधो पानी है आधो दूध लियो। चाशनी में बढ़िया उबाल आएगी ऐसा आप देख रहे हो। जिको भी चाशनी मैल हो तो वो झाग बनन ऊपर आ गयो है। हमें अब मैल ने जा रहा हूँ बाहर ले ले मो। चाशनी मैल ने एक ठाऊ में गाल दे मो। आप देख रहे हो सा अपन कितनी बढ़िया चाशनी साफ होन तैयार हुई है। हमें अपन चाशनी मिला दे कूटड़ी इलायची थोड़ा मीठो रंग। चाशनी बढ़िया मिक्स कर दे मो। चाशनी बनन तैयार है। बालू सही वास्ते अपन एक दो तार चाशनी जरूरत नहीं रहे। बालू सही वास्ते अपन एकदम पतली चाशनी जरूरत रिया करे। बालू सही जलेबी या फिर गुलाब जामुन इन सब री चाशनी एकदम पतली होनी चाहिए, तार ही चाशनी जरूरत नहीं रिया करे। तो अपने चाशनी बनन तैयार है। हमें अपन बालू सही ना चाशनी बढ़िया मिक्स कर दे मो। गरम गरम चाशनी में बालू सही गालोला तो इस बालू सही बढ़िया चाशनी पीन तैयार होवेला। भट्टी की आंच बंद कर दे मो। 15-20 मिनट तक बालू सही ने अपनी चाशनी में छोड़ दे मो। बालू सही ने बढ़िया चाशनी में मिक्स कर दे मो। गरम गरम चाशनी में अपन बालू सही गालनी है जिन बालू सही बढ़िया चाशनी पीन तैयार हो जावेला। 15-20 मिनट पचे बालू सही ने अपनी चाशनी बाहर निकाल दे मो।
तो इन दिवाली माते आप आलू सही आप जरूर बना जीम जो सा आप छोटी छोटी बात रो ध्यान रखन आलू सही बनाओ तो आप हलवाई में बढ़िया आलू सही घरे बनान तैयार कर सको। तो लो सा आलू सही बनन तैयार है और आप बढ़िया आलू सही बनन तैयार हुई है। इन तरीका एक बार आप आलू सही आप जरूर बना जीम जो और वीडियो आपने कैडोक लगाओ मन कमेंट करन जरूर बतीजो। वीडियो पसंद आयो तो वीडियो लाइक शेयर जरूर कर जो सा एडा बड़े वीडियो देखने वास्ते इन चैनल ने सब्सक्राइब कर घंटे बटन दबा दीजो सा। तो एक बार भले मिलो एक नवा वीडियो हाथ है जड़ते ही राम राम सा।